बताऊं तो वो यही वो शख्स हैं जो इस अगरबत्ती को बनाए हैं। पूरा अगरबत्ती आपने देखा है, लेकिन अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कब इनके मन में ख्याल आया कि नहीं मुझे अगरबत्ती बनानी चाहिए और कैसे बना दिए इतना बड़ा अगरबत्ती 108 फीट का। पहले तो स्वागत है और अभिनंदन वंदन करते हैं। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा अपना परिचय बताते हैं। हम बड़ौदा गुजरात से आए। अच्छा, विया भाई बरवाड गोपालक मेरा नाम है और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं और निजी स्थान में प्रभु राम आ रहे हैं, तो हमने गुजरात से सोचा कि पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के राम भक्तों की ओर से एक इतनी बड़ी धूपसली बना के प्रभु श्री राम। आपका कार्य क्या है, अगरबत्ती ही बनाना कार्य है या फिर हमारा और कुछ है? हमारा ऐसा कोई कार्य नहीं है, हमारा कार्य है गाय पालना और खेती करना। तो जो गाय पालने वाला, खेती करने वाला अगरबत्ती कैसे बना दिया, ये भी सोचने वाली बात है। वो देखो, वो प्रभु राम की कुछ कृपा हुई है, क्योंकि मैं मानता हूँ तब तक अभी तक भारत के इतिहास में इतनी अगरबत्ती बड़ी किसी ने बनाया नहीं। हाँ, ये तो है, मेरा विश्व रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, पूरे विश्व में इतना बड़ा तो अगरबत्ती नहीं था। इतना बड़ा अगरबत्ती बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसको कैसे सुरक्षित। महाराज जी, कब ख्याल आ गया कि मतलब आप इनके गले में देख सकते हैं मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ये कब मन में ख्याल आया कि इतना बड़ा मैं अगरबत्ती, कभी आप परिकल्पना किए थे? नहीं, जब मैंने, हम तो गांव के रहने वाले हैं, तो मैंने अप्रैल मार्च जून जुलाई में कुछ मैंने पेपर में अखबार में पढ़ा था। अच्छा, कि प्रभु श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की होने वाली है। अगले जनवरी में पढ़े थे। हाँ, अगले। तो मैंने ठान लिया कि मैंने एक पहले भी कुंभ के अंदर ले गया था अगरबत्ती, और प्रभु राम का इतना बड़ा अवसर हो रहा है तो हम भी 108 फुट का लंबा अगरबत्ती, 3.5 फुट गोलाई, 108 कुंडी यज्ञ रूपी अयोध्या लेके जाएंगे, प्रभु राम को अर्पित करेंगे और वहाँ प्रज्वलित करेंगे। इसको बनाने में अगर बात कर लीजिए तो कितना मटेरियल लगा हुआ और कितना? इसमें कुल 3610 किलो मटेरियल लगा है। वो आपको विस्तार भी सुगंध दे रही है और आपको विस्तार से भी बता दूंगा कि 376 किलो जो गूगल धूप होता है वो लगा है, 376 किलो खोपरा का जो सीन होता है वो लगा है नारियल का, और 280 किलो जव है, 280 किलो तल है, 425 किलो जो विविध हवन सामग्री होती है वो लगा है, 191 किलो गिर गाय का घी लगा है, और 1475 किलो इसमें गिर गाय का गोबर का पाउडर लगा है। अच्छा। हाँ, और जो विविध प्रकार के पुष्प होते हैं सुगंधी, उसका भी पाउडर इसमें 100 किलो लगा है, 108 किलो इसके अंदर जो परफ्यूम होता है नेचुरल गूगल का वो लगा हुआ है। अच्छा, ये सब कोई बताया कि अपने दिमाग से ही आपने लगा दिया? देखो, हम तो अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ है, अनपढ़ हो के इतना बड़ा अगरबत्ती आप पढ़े लिखे होते तो कितना बड़ा बना देते हैं। हमने कभी स्कूल देखा ही नहीं है। हाँ, मगर स्कूल नहीं देखे, प्रभु राम की कृपा है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अच्छा। और क्योंकि हमारे माँ बाप की परिस्थिति इतनी भी नहीं थी कि हम पढ़ा सके, तो नहीं पढ़ाया, वो हमारा नसीब में ऐसा लिखा होगा। मगर ये मेरा पहले बहुत, मैं गौरक्षा का काम करता हूँ। मैंने 2001 से 2021 तक गौरक्षा का काम किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो लाखों गाय को हमने बचाया, लाखों गाय को। उसके बारे में नरेंद्र मोदी साहब ने हमको वो दो बार गौरक्षक का अवार्ड दिया, उसके बाद में एक महावीर जीवदिया अवार्ड दिया, तो हमारा मन से उत्साह बढ़ने लगा। इस देश से, भक्ति से, इस देश की संस्कृति से और हमारी गौ माता से हमको ज्यादा लगाव है। तो सब लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं अगरबत्ती के, तो क्या मटेरियल यूज करते हैं पता नहीं हमको, बिल्कुल, पर हम तो उनको ऐसा बोलते हैं कि जो इसके अंदर बांस की सली डाली जाए, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो बांस की सली डालते हैं वो मत डालिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र के अंदर वर्जित है। बिल्कुल। दूसरा कि आप अगरबत्ती के मटेरियल के अंदर जो भी यूज करते हैं, तो आप उसको पवित्र गौ माता का गोबर यूज कीजिए, पाउडर।
क्योंकि उससे हमारी गौ माता का भी सम्मान बढ़ेगा और भगवान को भी एक पवित्र अगरबत्ती लगेगी। अच्छा, खुल के जलेगा कि फिर अंदर ही अंदर जलेगा, अगर बात कर लिया जाए तो? ये पैकिंग है, पैकिंग है, ये खुलेगा, ये खुलेगा। हाँ, तो खड़ा होके जलेगा कि ऐसे पट ही जलेगा? ऐसा ही टेढ़ा ही जलेगा, जैसे है वैसे ही जलेगा ना, वो थोड़ा टेढ़ा रहेगा, ऐसा ही जलेगा। अभी तो ये अंदर पैक है और जब ये खुलेंगी तो इसकी खुशबू भी और होगी, इसका नजारा भी और होगा। जब इसको लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या कैसा बना है। हम तो खाली निमित हुए हैं, ये प्रभु राम की कृपा बिना कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों का कहना कि जिस तरह से बहुत सारे पैसे इसमें खर्च हुएंगे, बताया जाए तो कितना खर्च लगा होगा अब तक, अगर बात कर लिया कितना खर्च इसमें लगा? अगरबत्ती है बनाई है, हमने किसी के एक रुपया चंदा नहीं लिया है, चंदा नहीं लिए है, खुद से बनाया है, खुद से बनाया, खुद से मेहनत किया, अकेले हाथ से, मतलब खुद से। बता दे आपसे, सुनिए, हम जब बना रहे थे इसको तो कोई हमको देखता नहीं था। अच्छा, कि लोग तो कहते नहीं था ये क्या कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, वो बोल रहे थे कि ये तो पागल है वो। अच्छा, पागल तक लोग कह दिए। हाँ, पर मैंने ठान लिया था कि जो अगरबत्ती मैं बना रहा हूँ धूपसाली, मैं जानता हूँ, मेरा राम जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर है, बिल्कुल। तो हमने एक ही सोचा, कुछ भी हो जाए, मगर प्रभु राम को 108 फुट लंबी अगरबत्ती उधर अर्पित करना ही करना है। तो राम ने हमारी पुकार। कितना समय लगा होगा इसको बनाने में? 6 महीना कंटिन्यू लगा, रात दिन काम करते थे या फिर रुक रुक के काम करते थे? इसको बनाने में बहुत सारा नीति नियम होता है। अच्छा अच्छा, जब ये बनती है इसका ब्रह्म मुहूर्त में काम शुरू करना है जी। फिर तो 4 घंटा करो, 5 घंटा करो, 10 घंटा करो, अकेले ही बना दिए। हाँ, इसमें कोई और लेबर या फिर आपके सहयोगी? कोई लेबर नहीं, कोई सहयोगी, अकेले ही किए। कितना खर्च लगा, कितना पैसा लगा? कि देखो, ये मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। कितना पैसा लगा वो बताता हूँ, पहले मैं इसकी विशेषता बता। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ कि मेरे पास इसका कोई डाई नहीं है, डायमीटर कि इतना ही गोल बनाना, इतना लंबा बनाना, पर प्रभु राम की कुछ कृपा है, दिख रहा है, झलक रहा है, हम बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा के इसके अंदर खर्चा 5 लाख रुपया हुआ है। 5 लाख रुपए? अरे बाप, जो भी हवन सामग्री लगी है उसका हम टोटल लगाया है। उम्मीद किए हैं कि जितना मैं पैसा लगाया हूँ, जितना खर्च किया हूँ, कहीं से मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद किए? नहीं, ऐसा हमको कोई उम्मीद नहीं। अब तक लोग आपसे मिले तो क्या बोले? हमको कोई उम्मीद ही नहीं है। मोदी जी अगर मिलते हैं तो क्या कुछ डिमांड है मोदी जी से या फिर सहयोग है? हमारा एक ही डिमांड है मोदी जी से कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक, पूरा विश्व विख्यात है, बताना नहीं है, विख्यात है, तो आपके हाथ से जो प्रज्वलित होती है तो बहुत बड़ा हमारा। आप चाहते हैं कि मोदी ही इसको प्रज्वलित करे? ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, योगी साहब करे, मोदी साहब करे, क्योंकि यहाँ के राजा है मोदी साहब, भारत के राजा। अभी मिले हैं कि नहीं मोदी जी से, योगी जी से? ओ, हम 2000 पहले गुजरात में, आप जब से प्रधानमंत्री बने तब? नहीं, से नहीं, तब से नहीं मिले, तब से इस बार मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। चलिए, राम की अगर बात कर लिया जाए, राम की जिस तरह से इनमें सीधा दिखाई दे रहा है, झलकदा है, कणकण में राम है, और उनके अगर रगों में देखा जाए तो रगों में भी राम है। जिस अगरबत्ती को बनाने में हम और आप सोचते हैं बड़े बड़े इंजीनियर हाथ खड़े कर देते हैं, वहीं दादाजी ने एक अलग इतिहास रचा है। भारत हमारा इतिहासों की पन्नों में एक एक वीर पाए जाते हैं, एक ऐसे भी वीर है जो इतनी बड़ी लंबी अगरबत्ती बना के विश्व याद किया। अगर बात कर लीजिए 22 तारीख को ही जलेगी या फिर पहले जलेगी? अभी उसमें क्या है कि प्रशासन तय करेगा कि हम तो सोचते हैं 22 तारीख को ही प्रज्वलित हो, क्योंकि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन। लाने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, कहीं मोड़, कहीं फिर रास्ते में? देखो, हमको प्रभु राम के ऊपर विश्वास था, हमारा विश्वास कभी टूटा नहीं है, और प्रभु राम ने हमारा विश्वास टूटने। कितना समय लगा यहाँ पे चले आए? यहाँ हम आए 10 दिन हो गया, 10 दिन रास्ते में। 10 दिन में आप चले आए? और देखो, प्रभु राम ने समुद्र में सेतु बनाया था, जब ये अगरबत्ती बड़ौदा से निकली है तो एक जनता और एक राम भक्त का हमने सेतु देखा है। यहाँ तक हर 5 किलोमीटर, हर 2 किलोमीटर हजारों लोगों की भीड़ मिली है रोड पे। हाँ, एक ही नारा था राम नाम का, बस। क्या बात है, सबको राम से ही लगाव है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे तो हमें बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ी हमें उनके पे भरोसा है, विश्वास है, तो इतनी बड़ी अगरबत्ती यहाँ तक पहुँची है।
बिल्कुल, आप देख रहे हैं लोग कहते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, ये अमीर नहीं है, ये करोड़पति नहीं है, ये लखपति नहीं है, ये अरबपति नहीं है, लेकिन इनका दिल और मन बड़ा है, विश्वास बड़ा है, इन अधिक है विश्वास कि हम राम में विश्वास रखते हैं और राम एक ना एक दिन हमको क्या होता है कि वहाँ तक ले जाएगा जो हम सपना सोचे हैं, जो सपना हमारा साकार होगा। भगवान राम की इतनी बड़ी इन पर महान कृपा है, समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं भगवान है नहीं धरती पर, कलयुग चल रहा है, लेकिन है ना राम, तुम्हारे में विश्वास होना चाहिए। विश्वास रखेंगे दृढ़ तो राम जरूर मिलेगा, क्योंकि आज तक भारत की जनता राम भक्तों और ऋषि मुनियों को उसके ऊपर विश्वास था, तो आज हमारा रामलला निजी स्थान में आ रहे हैं। बिल्कुल, इससे बड़ी बात को कोई बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। आप देख रहे हैं जिस तरह से यही है वो शख्स जो क्या होता है कि पूरे अगरबत्ती को 108 फीट बनाते हैं और अपने विश्वास के साथ बड़ौदा गुजरात से अयोध्या उत्तर प्रदेश में लाते हैं, और अब आज यही अगरबत्ती जलेगी, यहाँ से जल के पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड होगा और ये दादाजी बनाएंगे। लोग कहते हैं ना कि किसी कार्य को करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है, इनसे मिलके आपको कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा। लास्ट आपसे सवाल करेंगे, जिस तरह से चलते चलते आज यहीं पे अगरबत्ती उतर जाएगी और यहीं जलेगी। हाँ, यहीं पे होगा पूरा कार्यक्रम। मंदिर में नहीं जाएगा ये? नहीं, मंदिर में वो यहाँ का प्रशासन ऐसा बोल रहा है कि मंदिर में जगह नहीं है और इतना बड़ा रथ वहाँ पहुँच नहीं सकता है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए हमको इधर उनकी धरती पे ही कहीं जल जाएगी, धरती पे। चलिए, बहुत दूर नहीं है, तो विश्वास है कि ये पृथ्वी की कण कण में राम है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम यहाँ प्रज्वलित करें यहाँ करें, हमको विश्वास होना चाहिए। कहाँ भी प्रभु राम ही राम होते हैं। बिल्कुल, विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, अब देख लीजिए इनको कितना बड़ा विश्वास है। हम होते हैं आजकल के नौजवान, अगर होते तो अपने विश्वास को तोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है, पता चलता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक अलग इतिहास लिख दिए, विश्व विख्यात होगा इस बार कि इतनी बड़ी अगरबत्ती जलेगी और पूरे अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व में रिकॉर्ड होगा इस अगरबत्ती को देखने के लिए। ताउम्र सोचेंगे कि काश कहीं ऐसा अगरबत्ती कभी बना था या नहीं बना था, या देखकर आप लोग बताइएगा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।